हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे टॉपिक, सिक्स के सिक्स टॉपिक हमने देख लिए थे, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें टू स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या करते हैं यहाँ पर, टू स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में कंबाइन होकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों कॉम्बिनेशन सेल क्या करते हैं, सेल्स, सेक्स सेल्स आर टू टाइप्स, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। क्या करते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन सेल्स को, जो हमारी कॉम्बिनेशन सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स या फीमेल सेक्स। सेक्स सेल आर कॉमनली नोन एज गैमेट्स, इन सेल्स को हम गैमेट्स भी कहते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल फ्यूज इनटू द फॉर्म ऑफ जायगोट्स। क्या करते हैं जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो बनने वाले प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जायगोट। और जायगोट डेवलप्ड होकर क्या करते हैं, बेबी फॉर्म करते हैं या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं या फॉर्मेशन होता है। अब क्या है यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्लांट्स में देखते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मेथड्स। द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मेथड। द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इज फ्लावर। इन मोस्ट ऑफ केसेस द सेम फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द अदर। मेजोरिटी ऑफ प्लांट बाय सेक्सुअल इन नेचर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं हम प्लांट्स में देखते हैं, तो क्या होता है, जो सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वह सेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्ट होते हैं। फ्लावर ही है एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है। कुछ केसेस में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मिलते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे रहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों क्या करते हैं, एक ही ऑर्गन्स में या एक ही फ्लावर में मिल जाते हैं। इस प्रकार के जो प्लांट्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाइसेक्सुअल इन नेचर, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। अब देखो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ये हमारा फ्लावर्स, ये डायग्राम है हमारा फ्लावर्स का। इसमें क्या होता है, जो सारे पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर के होते हैं। तो डायग्राम में क्या होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह हमारा जो पार्ट्स है, बीच वाला हिस्सा होता है, ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा। बीच वाले हिस्से को हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सीड डेवलप्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें बीच का फॉर्मेशन होता है, सीड डेवलप्ड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। और इसके आसपास जो ये ऑर्गन्स रहते हैं, यहाँ पर ये वाले ऑर्गन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्गन्स को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे अदर पार्ट्स भी होते हैं। देखिए इसमें ये जो फर्स्ट वाला रहता है फीमेल का, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसके नीचे वाले ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को स्टाइल बोलते हैं। ये यहाँ पर बीच फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो बीज बनते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंथर। ये हमारा पिस्टल, ये ओव्यूल्स। बीज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, हमारा ओव्यूल्स में। और ये जो स्टिक फ्लावर्स हमारा जिस पर पूरा टिका होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिक। ये हो गया हमारा फ्लावर्स। इसको आगे देखते हैं, स्टेप्स इन सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनोदर ऑफ अ स्टेमन फ्रॉम द ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। पॉलिनेशन डन बाय बर्ड वाइंड वाटर। क्या करते हैं, जो पॉलिनेशन होता है, बेसिकली मतलब क्या होता है पॉलिनेशन का, किसी भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर आना। एक पोलन ग्रेन हो गई यहाँ पर, जैसे कि ये हो गई पोलन ग्रेन, अब इसका ट्रांसफर हुआ, हमारी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होकर क्या करा, ये
स्टिग्मा के ऊपर आ जाती है। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर ट्रांसफर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम अनदर फ्लावर, जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट क्या हो गया इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन। देखो ये यहाँ पर दे रखा है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, सेम फ्लावर का ट्रांसफर होता है यहाँ पर। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेकंड टाइप होता है इसका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है वो अनदर फ्लावर्स का ट्रांसफर हो जाता है। ये यहाँ पर दे रखा, तो क्या हुआ हमारा जो पॉलिनेशन हो गया वो कितने टाइप का हो गया, टू टाइप का। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर पॉलिनेशन ऑफ टाइप्स बताने हैं इसके, या फिर व्हाट आर द पॉलिनेशन, इस टाइप से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से कर ले। अब इसके आगे हम देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट क्या है हमारा पॉलिनेशन और सेकेंड हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशंस ओकर व्हेन द मेल गैमेट्स मीट द फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन का बेसिक मतलब यह होता है कि जो मेल गैमेट्स होता है वह फीमेल गैमेट्स से मिल जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हमारा मेल गैमेट्स हुआ और ये फीमेल गैमेट्स, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पर डायग्राम में भी यही शो किया गया है फ्लावर्स के फर्टिलाइजेशन में। इसके आगे क्या होता है, अब इसको आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स मतलब हमारे अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्स, टू पार्ट मेल एंड फीमेल। क्या होता है, एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये कैसे होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइन होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर एक मेल सेल हो गई हमारी और एक फीमेल सेल हो गई, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक न्यू बेबी फॉर्म करते हैं या फिर न्यू ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये भी हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होती है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पर ये मेल स्पोर्स होता है हमारा और ये हमारा फीमेल स्पोर्स होता है। जो मेल स्पोर्स होता है उसमें क्या करते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, मेल गैमेट्स में ये स्पर्म होता है, इसको हम स्पोर्स नहीं स्पर्म बोलते हैं। इसमें तीन भाग कौन कौन से होते हैं, हेड, न्यूक्लियस और टेल। और जो उसके पास में दे रखा है हमारा वो हो गया हमारा फीमेल, ये वाला पार्ट ये फीमेल गैमेट्स होता है, इसको हम एग्स बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं। क्या करते हैं, जो फीमेल गैमेट्स को स्पर्म डक्ट के द्वारा स्पर्म आते हैं, ये हमारा स्पर्म है यहाँ पर स्पर्म डक्ट के द्वारा, ये जो फीमेल गैमेट्स होता है ये हमारे मेल गैमेट्स में कंबाइन होता है। और इसमें न्यूट्रिशन वो कैसे होता है, देखो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा सेमिनल प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो ये क्या करते हैं, एक न्यू बेबी फॉर्म करते हैं। अब हम इसको देखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब सेक्सुअल ट्रांसफर, जब भी सेक्स ट्रांसफर होते हैं तो कौन कौन से डिसीज हो सकती है यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारी एड्स, पहली डिसीज क्या हो गई हमारी एड्स। सेकंड हो गई हमारी साइफिलिस, साइफिलिस डिसीज हो सकती है। फिर थर्ड हो गई गोनोरोहिया, थर्ड डिसीज हमारी हो गई यहाँ पर गोनोरोहिया। ये सब हमारी डिसीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं क्लोज होता है। थैंक यू सो मच।